न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। आपको बता दें कि पीएम ने कहा है कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे रोमांचक मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना और मेसी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत से खुश हैं और पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि ये सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई दी गई है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना और मेसी में लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुश हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रॉस को भी फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि फीफा विश्व कप में ही उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के लिए क्रॉस को बधाई। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में अपने कौशल और खेल भावना से फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। और बता दें आपको कि अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में ही फ्रॉस को 4-2 से हराकर विश्व कप जीत लिया। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। खड़गे ने ट्वीट किया है कि शानदार प्रदर्शन और फीफा विश्व कप चैंपियन बनने के लिए अर्जेंटीना को बहुत बहुत बधाई। मेसी का शानदार खेल लाखों प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरा और एम्बाप्पे ने शानदार वापसी के लिए क्रॉस को प्रेरित कर धन्यवाद खींचा। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कितना सुंदर खेल, रोमांचक जीत के लिए अर्जेंटीना को बधाई, अच्छा खेले फ्रांस। और इसको लेकर मेसी और एम्बाप्पे दोनों सच्चे चैंपियन की तरह खेले। फीफा विश्व कप फाइनल मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे खेल सीमाओं से पूरे लोगों को जोड़ता है और मैदान पर भारी तादाद में जमा दर्शकों और इसके साथ ही दुनिया भर में टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठे फुटबॉल प्रेमियों की सांसें रोक देने वाले रोमांचक मैच में पासा पल पल पलटता रहा। अर्जेंटीना ने 80वें मिनट पर ही मेसी और अर्जेंटीनी मारियो के गोलों के ही दम पर 2-0 की बढ़त बना ली थी। और लेकिन एम्बाप्पे ने ही 80वें और 81वें मिनट में 2 गोल करके मैच को अतिरिक्त समय तक खींच दिया। अतिरिक्त समय में मेसी ने 108वें मिनट में ही गोल लगाकर एम्बाप्पे ने 10 मिनट बाद फिर बराबरी करके मैच को पेनल्टी शूटआउट में ही खींच दिया। और शूटआउट में ही सब्स्टिट्यूट गोंजालो और इसके साथ ही मोंटियल ने निर्णायक पेनल्टी पर गोल दागा। और जबकि क्रॉस के किंग्समे कैवमेन और इसके साथ ही ओरिएवन चौमायनी गोल करके चूक गए। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान के दौसा जिले के होकर गुजर रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज यानी कि 19 दिसंबर को पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दौसा के बांदीकुई से की है। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा सुबह करीब 10 बजे अलवर पहुंचेगी और बांदीकुई से अलवर में प्रवेश करने के लिए राजगढ़ के सुरेर में इस यात्रा का एंट्री पॉइंट है। और दोपहर 2:30 बजे मालाखेड़ा में राहुल गांधी एक सभा को सभी संबोधित करेंगे और इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। तो बता दें आपको कि अशोक गहलोत यहां पर मौजूद रहेंगे। बांदीकुई से राहुल गांधी ने यात्रा जो है वो शुरू की और बताया जा रहा है कि आज 10 बजे ये यात्रा अलवर पहुंचेगी। जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान के दौसा जिले से होकर गुजर रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज यानी कि 19 तारीख को
पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत डोसा के बांदीकुई से की है और इस दौरान राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट मौजूद रहे। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा सुबह करीब 10 बजे अलवर पहुंच जाएगी और बांदीकुई से अलवर में प्रवेश करने के लिए राजगढ़ के सुरेर में इस यात्रा का एंट्री पॉइंट है और दोपहर 2:30 बजे मालाखेड़ा में राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे और इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट में आंतरिक कलह तेज होती दिख रही है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 सदस्य ने कुछ वरिष्ठ नेताओं की इस टिप्पणी के विरोध में रविवार को इस्तीफा दिया है कि अन्य दलों से कांग्रेस में आए लोगों को प्रमुखता मिली है और इन 13 सदस्यों में कांग्रेस विधायक डी अनुसुईया और पूर्व विधायक वी नरेंद्र रेड्डी भी शामिल है। अभिभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राजन सिंह के तेलुगु देशमी पार्टी यानी कि देपा के ही कुछ पूर्व नेताओं के कांग्रेस में भारत में शामिल होने और संबंध में शनिवार को कहा था कि अगर दूसरे दलों से कांग्रेस में आने वाले को पार्टी में तजव्वो दी जाएगी तो उसके मूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राजनरसिंह ने ही ये टिप्पणी की और तब कांग्रेस विधायक दल ने नेता भल्लू भट्टी और इसके साथ ही मल्लू भट्टी, विक्रमार्क लोकसभा सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यशकी गोड़ और पार्टी विधायक टी जयप्रकाश रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे। ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी से नाराज हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने अंतर्कलह को लेकर पत्रकारों के सवालों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान इन सभी मुद्दों पर गौर करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार गांव से लेकर राज्य स्तर तक के नेता 26 जनवरी को तेलंगाना में पदयात्रा निकालकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। रेड्डी के आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के ही नेतृत्व वाली सरकार ने कांग्रेस वार रूम से महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी को राज्य में सत्ता में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और इससे पहले पूर्व विधायक ई अनिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम करने और राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी लोग वरिष्ठों का सम्मान करते हैं। पूर्व विधायक ई अनिल ने पार्टी के कुछ नेताओं को प्रवासी बताए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से तेलंगाना और वीआरएस के नेतृत्व वाली और केंद्र में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आग्रह किया और हाल ही में मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई में आंतरिक कलह देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने जा रहा है और इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों से किसान शामिल होने वाले हैं। आयोजकों के अनुसार 700 से 800 बसों के माध्यम से लगभग 50,000 से 55,000 लोगों और निजी वाहनों के माध्यम से 3,500 से 4,000 लोगों के रैली में भाग लेने की संभावना जो है वो जताई गई है और भारतीय किसान संघ ये रैली किसानों की स्थिति में सुधार को लेकर निकाल रहा है जिसमें कुछ मांगों का भी जिक्र किया जाएगा। और भारतीय किसान संघ की माने तो फिर फल, अनाज, दूध, सब्जियां आदि उपलब्ध कराने वाले किसान कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से नाखुश है और संघ का कहना है कि इसके चलते अब तक कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। भारतीय किसान आज होने वाली इस रैली में जिन मांगों का जिक्र करेंगे उनमें से एक ये भी है कि सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य दिया जाए और साथ ही इस पर किसी भी तरह से जीएसटी नहीं लगाई जाए और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाए।
तो आपको अहम जानकारी दे दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली देखने को मिलेगी। बता दें आपको कि इसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। बात करें दिल्ली में ही, राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब समेत देश के अन्य राज्य किसान शामिल होने वाले हैं। आयोजकों के अनुसार बताया गया है कि 700 से 800 बसों के माध्यम से लगभग 50,000 से 55,000 लोगों और निजी वाहनों के माध्यम से 4,000 लोगों के रैली में भाग लेने की संभावना है। और वहीं भारतीय किसान संघ ये रैली किसानों की स्थिति में सुधार को लेकर निकाल रहा है और जिसमें कुछ मांगों का भी जिक्र किया जाएगा। और भारतीय किसान संघ की माने तो फल, अनाज, दूध, सब्जियों को लेकर उन्हें उपलब्ध कराने वाले किसान कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से नाखुश नजर आ रहे हैं। और संघ का कहना है कि इसके चलते अब तक कई किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं। भारतीय किसान आज होने वाली इस रैली में जिन मांगों का जिक्र करेंगे उनमें से ये सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य दिया जाए और साथ ही इस पर किसी भी तरह की जीएसटी नहीं लगाई जाए और साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाए। मोदी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मोदी पर ही आरोप लगाया है कि वो भारत चीन सीमा पर स्थिति के बारे में संसद में चर्चा करने से भाग रहे हैं। और विपक्षी दलों ने कहा है कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाब में चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ये सवाल किया है कि क्या सरकार इस देश के साथ अपने नज़दीकी संबंधों के कारणों को खामोश है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के कुछ दिनों बाद सरकार पर यह प्रहार किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुबह की पद यात्रा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि तत्कालीन पीएम राजीव गांधी 1988 में चीन गए थे जब हम सीमाओं पर मजबूत स्थिति में थे और इस दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2020 में जब ये सब खत्म हो गया और एक नया अध्याय खुल गया, रमेश ने दावा किया कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने उस चीन को ये कहकर क्लीन चिट दे दी, ना कोई आया और ना ही कोई हमारे क्षेत्र के अंदर है। इस क्लीन चिट के कारण सौदेबाज करने के लिहाज से हमारा पक्ष कमजोर हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को 18 दिसंबर को ही इगतपुरी में 226 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के साथ साथ ऑटोमोबाइल और अन्य विनिर्माण वस्तुओं के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी उन्होंने नासिक को देश में लैंडिंग सेक्टर बनाने की बुनियादी ढांचे के विकास की कोशिश जारी है और वो यहां जल्द ही कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। उनका कहना है कि तेजी से सड़कों का विकास यहां रोजगार के अवसर लेकर आएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी के यहाँ इगतपुरी में आयोजित समारोह के दौरान 1,830 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास किया और आने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नासिक से अंगूर, प्याज आदि के साथ साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वस्तुओं का सीधा एक्सपोर्ट किया जाएगा। और गडकरी ने बताया है कि कुल 205 किलोमीटर लंबाई वाली 7 सड़क कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं और ये परियोजनाओं 1,577 करोड़ रुपए की है और इनमें धुले लोकसभा क्षेत्र के कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही गोंडे पिपरी खंड को 6 लेन करके काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के चालू होने से वडपे पर यातायात का दबाव बढ़ेगा, जहां मुंबई आगरा राजमार्ग, आगामी मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे आपस में मिलेंगे। और गडकरी ने कहा है कि वडपे भविष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन बन जाएगा और इसका सीधा लाभ मुंबई के पास
जीएनपीटी पोर्ट को होगा। इसमें निर्यात आयात को ही गति मिलेगी और वाटपे से हम दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत कम समय में पहुंचेंगे और साथ ही इससे नासिक का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत चीन और अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा और इसके साथ ही उन्होंने भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा इसको लेकर भी बताया है कि आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत का विकास इसके विजन, यहाँ के लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपरा, संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। भागवत रविवार को यहाँ मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और मोहन भागवत ने आगे कहा कि जो धर्म मनुष्य सुविधा संपन्न और खुशासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। विकास होगा अगर भारत चीन और अमेरिका जैसा बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत का विजन लोगों की परिस्थितियों, संस्कार, संस्कृति और विश्व के बारे में विचार और इन सभी के आधार पर भारत का विकास होगा। अगर विश्व से कुछ अच्छा आएगा तो उसे लेंगे मगर हम प्रकृति और अपनी शर्तों के अनुसार लेंगे। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बयान दिया था। भागवत ने यह भी कहा था कि G20 की अध्यक्षता का भारत में आना कोई सामान्य बात नहीं है, दुनिया को अब भारत की जरूरत है। और भागवत ने यह भी कहा था कि दुनिया को अब भारत की जरूरत है और वैश्विक चर्चा में भारत का नाम है और भारतीयों को भी भरोसा हो गया है कि वे दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। राजस्थान के सिरोही शहर में गैस सप्लाई के लिए बिछाई गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन में अचानक से आग लग गई और आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके के नजदीक कांडला राजमार्ग के पास गुजरात गैस लिमिटेड की अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाई गई है और रविवार रात हवाई पट्टी के सामने एक गड्ढे से अचानक आग की लपटें निकलते हुए दिखी गई हैं और लोग पास में गए तो पाया कि यहां आग गैस पाइपलाइन जो है वो लीक हो रही है। उससे गैस के लीक होने की भी बदबू आ रही थी और देखते ही देखते आग और ज्यादा फैलने लगी। लोगों को 100 मीटर दूर खड़ा करने का भी निर्देश दिया गया और इसके साथ लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को फोन करके इस पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले लोगों को वहां से 100 मीटर दूर खड़ा करने का निर्देश दिया गया और वहीं हाईवे से आने जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया और फिर आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। इस दौरान लाइट के कनेक्शन भी कुछ समय के लिए काट दिए गए थे ताकि किसी भी तरह की आग ना फैल सके और फिर 25 मिनट बाद आग पर काबू पा लिया गया। जैसे ही आग बुझी तो लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल आग लगने की असली कारणों का पता नहीं लग पाया है लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि गैस लीक के बाद ही आग लगी है। फिलहाल आग लगने का असल जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है और आग पर काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में डिविजनल गेम्स में दौड़ हारने के बाद 16 साल के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। हिंगला पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि 10वीं कक्षा का छात्र 16 दिसंबर को हुए खेलों से घर लौटने के बाद तनाव में था और उसने शनिवार को ही शाम को पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। ऐसा लगता है कि वो डिविजनल गेम्स में रेस जो है वो हारने के बाद बहुत परेशान था और हमने दुर्घटना को मौत का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच की जा रही है और
अभी हाल में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश भर में छात्रों के बीच हो रही आत्महत्याओं के मामले पर आंकड़े जारी किए हैं। देश भर से ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवाओं ने करियर में सफलता न मिल पाने के कारण आत्महत्या कर ली है। देश के कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा में मेडिकल या इंजीनियरिंग में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों द्वारा आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। कोटा के अलावा देश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवा छात्रों ने अपने एकेडमिक करियर में सफलता न मिल पाने के बाद आत्महत्या करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार जारी आंकड़ों में बताया गया है कि आत्महत्या के मामलों पर हाल के सालों में छात्रों की आत्महत्या होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश के उत्तरी हिस्सों में ठिठुरन वाली ठंड पड़ने लगी है और कई शहरों में पारा तेजी से नीचे गिरा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड अपना असर दिखा रही है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई हिस्सों में ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी है। दक्षिण के कुछ राज्यों में बारिश के भी आसार हैं और मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर रहेगा और ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब ठिठुरन वाली सर्दी होने लगी है और साथ ही कोहरे ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सोमवार को यानी कि 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा गया है कि सोमवार को मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन सबके बीच राजधानी में प्रदूषण को लेकर स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। रविवार शाम 4 बजे तक दिल्ली का AQI 353 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है पंजाब के कई हिस्सों जैसे कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा और साथ ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में कोहरा छाया है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और इसके अलावा पंजाब समेत उत्तर भारत के कई और राज्यों में कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है और बिहार के बेगूसराय, छपरा, कटिहार समेत कई जिलों में 25 दिसंबर के बाद से कंपनी ठंड बढ़ने वाली है और देश के ज़्यादातर प्रदेशों में पारा नीचे गिरा है और इस बीच दिसंबर के महीने में भी मुंबई के लोग गर्मी झेल रहे हैं और दिसंबर में भी तापमान ऊपर रहने की वजह से मुंबई वासियों को दिक्कत हो रही है। मुंबई में सोमवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना बताई गई है और इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भी मुंबई भारत में सबसे गर्म रहा है और अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। देश के दक्षिण हिस्सों में अभी भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 31 दिसंबर को भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें कि मौसम को लेकर अपडेट सामने आ रही है। मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे का असर देखने को मिला है। बता दें आपको तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश के भी आसार जताए गए हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ठंड का प्रकोप अब कई राज्यों में बढ़ सकता है। बात करें अगर जैसे पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा और साथ ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में कोहरा छाया है।
लखनऊ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके अलावा पंजाब समेत उत्तर भारत के कई और राज्यों में कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है और बिहार के बेगूसराय, छपरा, कटिहार समेत कई जिलों में 25 दिसंबर के बाद से कभी ठंड भी बढ़ने वाली है। देश के ज्यादातर प्रदेशों में पारा नीचे गिरा है और इस बीच दिसंबर के महीने में भी मुंबई के लोग गर्मी झेलने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर में भी तापमान ऊपर रहने की वजह से मुंबई वासियों को दिक्कत हो रही है और सोमवार को ही मुंबई में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को भी मुंबई भारत में सबसे गर्म रहा है और अगले कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। देश के दक्षिण हिस्सों में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं और बारिश होने के बाद और ज़्यादा ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 21 दिसंबर को भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।